नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। फैमिली आईडी में आ रही दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर भी सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, जिसके जरिए सरकार फैमिली आईडी की कम्युनिटी आउटरीच जानने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। सरकार ने रेवाड़ी के रहने वाले सतीश कोलो को कोऑर्डिनेटर नियुक्ति करने के ऑर्डर जारी किए हैं। इनकी नियुक्ति सरकार की ओर से एक साल के लिए की गई है। इस कार्य के लिए सरकार उन्हें 1.25 लाख महीने की सैलरी भी देगी। ये कैसे काम करेंगे, इसकी विस्तृत नियम और शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। कोऑर्डिनेटर सतीश खोला रेवाड़ी विधानसभा में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में वह बीजेपी के सेवा प्रकोष्ठ हरियाणा के प्रदेश संयोजक हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार खोला रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी नेतृत्व को बता चुके हैं। हरियाणा में अब तक PPP पर 72 लाख के करीब परिवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनमें 68 लाख के करीब परिवारों का डेटा सरकार द्वारा वेरीफाई करवाया जा चुका है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।